हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे एक छोटा सा मॉडर्नाइजेशन जो आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक कोने का ओल्ड सीरियल कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर की ओल्ड सीओपी का ऑपरेटिंग पैनल को आज हम नए सीओपी से चेंज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ओल्ड सीओपी को डिसमेटल करते टाइम हर एक बटन के कनेक्टर पर मार्क कर देंगे कि वो कौन सा बटन है, जिससे हमें नई सीओपी लगाते समय प्रॉब्लम ना हो। सीओपी डिस्कनेक्ट करते समय हमें बड़े ध्यान से कनेक्टर्स और वायरिंग को अलग करना है मार्किंग के साथ। अगर आपने प्रॉपर मार्किंग नहीं की तो आपको बाद में ज्यादा समय लग जाएगा उसको ट्रेस करने में। सीओपी डिस्कनेक्ट करने के बाद आपकी वायरिंग कुछ इस तरह दिखेगी। अब बाहर रखे नई सीओपी के हर एक बटन से प्लस 24 वोल्ट को एक साथ लूप कर लेंगे और इसी तरह से हम माइनस 24 वोल्ट को भी अलग से एक साथ लूप कर लेंगे, जिससे कनेक्शन करते समय हमारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो। हम आपको दिखाना चाहेंगे ओल्ड और न्यू सीओपी कुछ इस तरह से है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें नई सीओपी की होल्डिंग प्लेट के थ्रू बिल्कुल सीधी और सही मार्किंग करनी होगी, नहीं तो सीओपी सही तरफ से नहीं लग पाएगी और स्क्रू का होल प्रॉपर मैच नहीं होगा, जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो आपको मार्किंग भी बड़े ध्यान से करनी है। पैनल में हॉल होने के बाद अब हम इसमें प्लेट को फिक्स कर देंगे। इसके बाद नई सीओपी को होल्ड करके वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्लस 24 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे ही माइनस 24 को भी कनेक्ट कर देंगे और प्रॉपर तरह से टेपिंग भी कर देंगे। किसी भी तरह का लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए जॉइंट के दौरान। चलिए चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें क्या करना है कि जो हमने कनेक्टर पर मार्किंग की थी उसको उसी बटन पर लगाना है जो उस पर मार्क किया हुआ है, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे हमें सिर्फ स्विचिंग वायर को ही कनेक्ट करना है, न कि प्लस 24 या माइनस 24 को, क्योंकि आप उनको पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं। अब आप एक एक करके सभी बटन्स के कनेक्शन कर दीजिए, इवन डोर, ओपन डोर, क्लोज स्टॉप बटन आदि। वायरिंग होने के बाद अब आपको सीओपी को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कोई भी वायर जॉइंट और कनेक्टर लूज ना हो। अब लगभग आपका 90% काम हो गया है। एंड लास्ट, अब आपको चेक करना है कि जो अपने बटन के कनेक्टर कनेक्ट किए हैं वो अपनी जगह सही है या नहीं। हर एक फ्लो की कॉल देकर आपको ये लास्ट काम कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी नई अट्रैक्टिव और शानदार सीओपी लगकर वर्किंग कर रही है। आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुको जी डेडिकेटेड ऑल एलिवेटर नीड्स।